हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही खैरियत और मजे में होंगे। और आज हो रही है 25 मार्च, और जैसे कि आप सबको बताइए कि मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी के हिसाब से आप सबको पता पड़ गया होगा कि प्री वेड फोटोशूट के कुछ कुछ फोटोज अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं कर रखा है तो जाके सीधा देख सकते हो, और मुझे उन फोटोग्राफ्स में टैग किया हुआ है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जैसे ही खोलोगे वहाँ पे टैग वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आ जाके आप मेरे सीधे फोटोज देख सकते हो। और दिन की शुरुआत हो चुकी है, और आप सबसे बहुत सारी माफ़ी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम व्लॉग कर ही नहीं पा रहे थे, और इन चीज़ों की वजह से नहीं कर पा रहे थे। भी दिखाया जाए, ये कुछ आ गए है, कुछ नीचे पड़े हैं, कुछ उस तरह पड़े हैं जो कि आपको नहीं बताएंगे, और कुछ कुछ चीज़ें नहीं बताएंगे। और इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की वजह से मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ कुछ ये जो कि अब तो आज होगा ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की सनस्क्रीन। ये भाई बेस्ट है, अगर आपको धूप में ज़्यादा ही घूमना पड़ता है, ज़्यादा ही आपका काम रहता है धूप में घूमने का, तो ये सबसे बेस्ट है, अल्टीमेट है। और ये डियो तो मस्त, इसलिए एक नंबर चीज़ है ये, पर्सनली बता रहा हूँ। और आप जाके शॉप करो से सीधा बाय कर सकते हैं, या फिर बॉम्बे शेविंग के ऑफिशियल वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं, पर मैं चाहे बाय करें क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हम हमारे सब्सक्राइबर होने का फ़ायदा दिलवा सकते हैं, क्योंकि बॉम्बे शेविंग से कभी अपना इतना कॉन्टैक्ट हुआ नहीं है, तो वो भी बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट होने के बाद वो भी वहाँ पर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फ़ायदा दिलवा ही देंगे आपको। तो अभी सीधा चलते एक बार के लिए नीचे, क्योंकि मम्मी पापा को जाना है बाहर। लिटरली 1.5 महीने से एक ही काम होता है हमारी लाइफ में, कि रोज उठ के सोचना पड़ता है कि आज का जाना है, आज का जाना है। अभी सैंडल भी नीचे बोल रहा हूँ, तो ये हालत है। तो अभी सीधा चलते एक बार के लिए नीचे, और ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करी है जो कि बहुत जल्दी आ जाएगी, तो वो भी बताया जाएगा आपको। तो एक बार चलता हूँ मैं सीधा नीचे, और नीचे जाके मंदिर जाता हूँ और वहाँ जाके मिलता हूँ। और आज है हमारे यहाँ पे अष्टमी, जिसका उपलक्ष्य में आज हमारे केसरियानाथ जो कि केशरा जी में है उनका जन्मोत्सव है, तो वहाँ पे जाके सब सेलिब्रेट करेंगे। और बहुत बढ़िया बड़ा भव्य मेला लगता है, पर इस बार तो कोविड के हिसाब से शायद हमारे कलेक्टर साहब ने मेले के लिए तो मना बोल दिया, और गर्मी बहुत है, तो इस बारे में हम जाके घर पर जाके चर्चा करेंगे। तो एक बार सीधा चलते हैं घर, और घर जाके मिलते हैं। फाइनली गाइस, घर पर आ चुका हूँ मैं, और अभी हम सीधा बैठ गए खाने के लिए, क्योंकि पापा को बाहर जाना नहीं है और मम्मी को बाहर जाना है, तो मम्मी बाहर चले गए हैं, और अभी मासी मेरे को खाना भर के दे रहे हैं, और मम्मी गए हैं किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए। तो आज मम्मी का वो होता नहीं है रोस्टिंग, वो आज थोड़ा कम रहेगा क्योंकि अभी मम्मी जा रहे, तो रोस्ट थोड़ा कम हुआ जाएगा मेरा। तो अभी सीधा एक बार खाने को आन देते हैं, और थोड़ा बहुत काम है उसको निपटाते हैं, और खाने के वक्त मिलते हैं। मतलब थोड़ा सा काम निपटाता हूँ, फ़ोन का ही काम है रिलेटेड टू यूट्यूब, और थोड़े बहुत जो मेरे पार्सल्स आने वाले हैं जो भी सब खास है उनका भी थोड़ा देख लूँ कहाँ तक पहुँच गए, और वो देख के फिर मिलता हूँ आपसे। फाइनली गाइस, खाना आ चुका है, और आज के खाने में है रोटी, और है बेसन गट्टे की कड़ी है या फिर क्या है, कुछ तो है जो कि क्या है एक्सपेरिमेंट मम्मी ने, मतलब आज तो टेस्ट करके देखना ही पड़ेगा। सी रोमा दी को ये बात अच्छे से बताओगे कि मम्मी कितने एक्सपेरिमेंट करती है, कभी कभी वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, और कभी कभी हम बिना कुछ बोले चुपचाप खा लेते हैं। तो अभी खाने को करते हैं कंप्लीट, और मिलते हैं खाना खा के आपसे। फाइनली गाइस, अभी फ्री हो गए हम, और वो रहे हमारे पॉटी, बोल दे बाइक नहीं जमी लेना मुझे। विकास भाई आ गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं एक बार के लिए सीधा शॉप पे, शॉप से बहुत यार पूरा दिन आज तो बिजी था, तो अभी हम सीधा जा रहे हैं एक बार के लिए सुपरमार्केट, तो सीधा चलते हैं सुपरमार्केट और वहाँ जाके मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, अब हो गया हूँ मैं रेडी मेले में जाने के लिए, तो अभी सारी चिल्लर पार्टी अपनी रेडी हो चुकी है, मतलब चिल्लर पार्टी मतलब जो जो अपनी पल्टन है वो सारी रेडी हो चुके हैं, और अंधेरे से निकल के हम सीधी रोशनी की तरफ आ चुके हैं, मतलब अपनी मानसी की तरफ आ, रोशनी अपनी जगह। तो एक बार जल्दी से थोड़ा बहुत पेमेंट वेमेंट है बोल लेता हूँ वापस, खर्चा तो नहीं पड़ेगा, मैंने जा रहा है वो लेके फिर मिलता हूँ आपसे।
क्या हुआ तीनू, क्या कर रहा है? मेले में आनंद लेना और कुछ नहीं। तीनू का क्या कहना है? कोई कहना नहीं। के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बकचोद आदमी के ध्यान नहीं देते हैं बातों पे। ये फालतू कब से क्या कर रहा है? बकचोद ही कर रहा है। देखो उसकी, देखो मतलब देखो। So finally guys, विश्वदेव मंदिर के सामने आ चुके हैं और अभी मंदिर के पट है। हाँ भाई खड़े हो। तो मंदिर के पट है अभी बंद हो, तो अभी थोड़े बहुत फोटोग्राफी कर दी और यहाँ पे हमारे दुल्हे राजा, अपकमिंग दुल्हे राजा अपकमिंग। तो अभी मंदिर के गेट तो बंद है, तो अभी सीधा चलेंगे हम बाहर आटा अंदर। ना अंदर का चलेंगे, बाहर बाहर आटा मारेंगे। अभी टाइम है, अभी तो बाहर घूमते हैं मेले मेले में। हाँ और सुनो मेरी बात सुनो आज सब लोग, ये जो ऋषभदेव का जो मेला है ये बहुत ही प्राचीन मेला है। तुम भी बोलता रहा। हाँ, मजा तो आता है पर दिन में आता था। हाँ इसमें मजा जो आता है वो सब दिन का होता है। जैसे हमने आपको कल्याणपुर का मेला दिखाया था, वहाँ पे तो हमारा वहाँ पे तो यस पंजाब ब्लॉग्स की फैमिली ने बहुत सपोर्ट करके बहुत सारे वो दर्शन लेने वाले भक्तों की बहुत सेवा की थी। हाँ। और ये वही करने वाला ये हमेशा वही करता है, इसलिए इसके जीवन में वही हो रही है। कोई बात नहीं, इसका पूरा जीवन बर्बाद, इसका पूरा जीवन में वही है। और ये हमारा, ये हमारा वैदिक बेस, एक बेस हो एक बेस ही है। ये देखो इसका आपको जीता जागता, जीता जागता उधर ये थोड़ी वाइट है, ये थोड़ा काला है। और एक ये देखो आप, देखो ये देखो, ये देखो, में देखो, ये देखो, ये देखो। और आज हमारे अंश भाई का बर्थडे भी है, जिसको हम अभी थोड़ी देर में जनपद जाके सेलिब्रेट करेंगे। हाँ ए यश, जनपद जाके ही सेलिब्रेट करेंगे इसका बर्थडे? देखते हैं अभी तक कुछ क्या देखते क्या है, वहीं जाके करना पड़ेगा, बाकी कोई और उम्मीद भी नहीं है अपने पास। हाँ ऑप्शन नहीं है, तो इसके बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे आज, इसको भी हम नहलाएंगे बहुत ही बुरे तरीके से। और कुछ कुछ करेंगे। और वैभव ने आज बेल्ट पहना है, वैभव अरे यार बेल्ट पहना है अपने। ये अबर नहीं, अबर नहीं, ये देखो ये आदमी देखो, पट्टा निकालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये देखिए ये आदमी हमेशा पट्टा निकालने के लिए तैयार ही रहता है। इसका बेल्ट इसके हाथ में रहता नहीं। सो फाइनली गाइस, तो फाइनली गाइस थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया हमने, और बाकी का एंजॉय अब मोनू भैया के गल्ले पे जाके करेंगे, तो वहां जाके मिलते हैं। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो उस टाइम का वीडियो बना ही नहीं पाया, और लास्ट वीडियो वही था आज का केक काटते हुए। तो अभी व्लॉग को करेंगे यहीं समाप्त। आशा करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से व्लॉग में। आज का व्लॉग एंडिंग में हम छोटे तरीके से ही करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही थक गया, अभी एडिट भी करना, और रात की बज रही 12। तो आपको फिर से एक और गुड मॉर्निंग, और व्लॉग को करते यही समाप्त, और मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग में। Thank you.